अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज हम 9 क्लास का जो अपनी सीरीज चल रही है, एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, हम उसको कवर आउट करेंगे कंप्यूटर्स के। और आज हमारी कंप्यूटर का लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम कुछ है कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। सही है कि आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, कैसे बनता है, क्या है, कौन सी चीज़ होती है, एंटिटीज क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, हम सब कुछ इसमें देखेंगे आज एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज जो मैंने आपको कवर आउट करवाए हैं अभी तक, ये सब आपको एक प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर सारी वीडियोज चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पहला एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि डैश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इन अ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आपसे एसआई यूनिट्स भी आपसे वो पूछे जा सकते हैं, एब्रीवेशन एसआई यूनिट बोल रहा हूं मैं, एब्रीवेशन पूछे जा सकते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक पैकेज निकाला हुआ है डीबीएमएस का, वो कौन सा है? देखो यार, वो है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस होता क्या है? एमएस एक्सेस बेसिकली जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि करता क्या है, जो कि मतलब कि ना एक समझ लो कि जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर कर रहा होता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और डेवलप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है तरीका समझ लो। और ये किसका मेंबर है? ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का मेंबर है, जिसके अंदर सारे मतलब कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सब माइक्रोसॉफ्ट 365 में आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एमएस एक्सेस भी आता है। बाकी भी आप ऐसा डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जैसे कि माई एसक्यूएल और डिफरेंट मतलब आप यूज कर सकते हो, मगर यहाँ पे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस पूछे जा रहे हैं जो कि एमएस एक्सेस। एमसीक्यू नंबर 2 के अंदर है कि द बेसिक लिमिटेशन ऑफ अ फ्लैट फाइल। ठीक है, बेसिक लिमिटेशन ऑफ अ फ्लैट फाइल डेटाबेस इज दैट, जिसके अंदर आप एक डाटा को स्टोर करते हो, सिंगल फाइल के अंदर ही डाटा को स्टोर करते हो, वो बेसिक लिमिटेशन होती है फ्लैट फाइल की। सही है, तो आपका क्या होगा, इट स्टोर डाटा इन अ सिंगल फाइल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 में क्या है कि एक डाटाबेस का टेबल बनता है। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ, ये हमारा एक डेटाबेस का टेबल है। डेटाबेस के टेबल के अंदर जो है, हाँ, ये टेबल का बेसिकली क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट जो है वो हमारे पास एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्या है? वो हमारे पास एक एंटिटी है। उसके बाद जो है इन डेटाबेस टेबल स्टूडेंट पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड, जैसे हमने वो एक बनाया था एंटिटी थी हमारी स्टूडेंट की, अब उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड होगा कि स्टूडेंट भाई नेम है उसका, क्लास है, क्या है, सिंगल रिकॉर्ड जो होंगे स्टूडेंट के रिलेटेड वो हमारा रिकॉर्ड है। एक स्टूडेंट है उसका वो पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड उसका क्या, या फिर एक सिंगल स्टूडेंट की पर्टिकुलर कुछ होगा, वो रिकॉर्ड है। सही है, इन अ रिलेशनल डेटाबेस की आर यूज टू क्रिएट। अच्छा, कीज क्यों बनाई जाती है? कीज ये बनाई जाती है कि एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, जैसा कि इस टेबल से रिलेशनशिप किस तरीके से, जैसा कि भाई ये एक टेबल है आपके पास कस्टमर का और एक टेबल है ऑर्डर का, तो इससे रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशनशिप बनाने के लिए हम ये कीज को यूज करते हैं। ठीक है, कीज के फॉर्म में बनती है, इसलिए इफेक्ट में चाबी की तरह बना हुआ होता है। सही है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 में क्या है, फील्ड दैट स्टोर द नेम ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिफाइन है। आप कोई भी स्टूडेंट का नाम को स्टोर कर रहे होगे, नेम्स को, तो वो हमेशा स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा अल्फाबेट ये सबको ले रहा होता है। अब एमसीक्यू नंबर 7 में क्या है, द की दैट अलाउ यूनिक एंट्रीज इन अ फील्ड इज कॉल्ड डैश, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। यूनिक एंट्रीज से मुराद क्या है? प्राइमरी की बेसिकली एक ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा एक कॉलम होता है जिसके अंदर टेबल जो होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। मतलब यूनिकली का मतलब ये है कि आपके पास एक कस्टमर का टेबल है, उसका है, मैं बताता हूँ, आपके पास ये टेबल है जहाँ पे कस्टमर की आईडी दी है, हर की आईडी डी के अलग अलग है, 112, 113, 114, उसी तरीके से नीचे एक और आईडी दी है वो भी अलग अलग है, 115, 116। ये जो अलग अलग जो आईडीज होती है ना, ये प्राइमरी कीज होती है हमारी, सबको यूनिकली आईडीज दी है, हर कस्टमर को अलग अलग आईडीज दी है। सही है, तो ये हमारी प्राइमरी कीज होती है। तो यही मैंने पूछा हुआ है कि जो यूनिक एंट्रीज कर रही होती है फील्ड में वो प्राइमरी की होती है। अब उसके बाद जो है आपके पास डेटा एमसीक्यू नंबर 8, डेटा रेजिडेंसी मींस क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। मैं फिर से बता रहा हूँ डुप्लीकेशन क्या है। डेटा रेजिडेंसी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हो, कोई भी सेम डेटा को स्टोर कर रहे हो मल्टीपल लोकेशन में। मतलब कि इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझ लो कि आपने एक डेटा को एक डेटा जो है उसको आपने सेव किया सेम फाइल के नाम से 5 दफा डिफरेंट डिफरेंट डिस्क के अंदर, डिस्क सी में, डिस्क डी में 5 दफा, तो वो क्या होगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा डेटा। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइल आप सेव करते हो, एक फाइल का नाम रखते हो, आपने अपने नाम से रखते हो, फिर उसी फाइल को आप सेम नाम से रखते नहीं रख सकते, वो डुप्लीकेट हो जाता है। रखना चाहते हो तो रख सकते हो अलग अलग उसमें, वही आप यस 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 करके वो सेम नाम से 5 दफा, तो वो डुप्लीकेशन होगी डेटा की। सही है, एमसीक्यू 9 में क्या है, द रिलेशनशिप दैट मैचेस वन रिकॉर्ड टू एन एंटिटी विद ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ अनदर एंटिटी। मतलब क्या होता है, मतलब कुछ यूं होता है, अभी मैं समझा रहा हूँ कि भाई वन टू वन रिलेशनशिप होता है कि भाई आपके पास दो टेबल्स हैं,
सही है, एक कस्टमर का टेबल है और एक आपके पास ऑर्डर का टेबल है, तो उसके अंदर जो बेसिकली रिकॉर्ड होगा वो एक ही दफा आया हुआ होगा। अब रिकॉर्ड क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वंस, जैसे कि भाई उसके अंदर आपके इम्प्लॉय का पूछा जा रहा है, कार्स का पूछा जा रहा है, सही है, वो एक ही दफा आया होगा, तो वन टू वन रिलेशनशिप है कि वन टू वन का मतलब कि आपके पास दो हैं दोनों एक ही दफा आया हुआ कार, ठीक है। एग्जीक्यूटिव स्टैंड के अंदर क्या है, द शेप दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट इन ईआरडी। ईआरडी का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूँ, ईआरडी का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सही है, और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी कहते हैं, और ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हम इसके अंदर डायग्राम्स बना रहे होते हैं, सही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं हम इसमें, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्लेसेस कॉन्सेप्ट इन सब के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अब एक और चीज़ जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कोई भी एंटिटी के लिए अगर बॉक्स यूज होता है वो होता है रेक्टेंगल शेप का, सही है, अगर रिलेशनशिप कब होगा वो आपके पास होगा एक तरीके से डायमंड का शेप जो होता है वो वाला, एट्रीब्यूट्स के लिए शेप जो होता है वो इक्लिप्स का होता है, सही है। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं, द शेप दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट वो इक्लिप्स है, सही है। MCQ 11 के अंदर क्या है, अ डैश स्टोर डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, डेटाबेस जो होता है वो हमेशा एक डाटा को एक सही वे से स्टोर कर रहा होता है, मतलब एक लाइन वाइज, जैसे कि भाई सबसे पहले अहमद है तो अहमद, फिर बासित, फिर इसी तरीके से मुनीब, ठीक है, फिर तलहा, फिर उसी तरीके से फिर आपके पास दोहा, फिर ऐसे ही, मतलब कि पूरा एक डाटा लाइन से स्टोर करेगा। MCQ 12 में क्या है कि भाई द डेटाबेस इज कंपोज्ड ऑफ डैश व्हिच कंटेन रोज एंड, मतलब कि देखो यार एक डेटाबेस जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, रोज और कॉलम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोज भी होगा कॉलम भी होगा, वो टेबल कहलाता है। MCQ 13 के अंदर क्या है, डेटाबेस इज कंपोज ऑफ रोज एंड कॉलम, जो डेटाबेस वो कंपोज कर रहा होता है रोज और कॉलम विच इज कॉल्ड, आप उसके अंदर क्या डाल रहे होते हैं, जो रॉ और कॉलम होता है उसके अंदर रिकॉर्ड्स डाल रहे होते हैं हर फील्ड्स के, सही है, तो वो रिकॉर्ड्स और ये कहला रहा होता है। अब MCQ 14 के अंदर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन शेप ऑफ रॉ, आप इसके अंदर डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि ऑर्गेनाइज शेप रॉ और कॉलम होता है वो टेबल होता है, और कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है वो एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कॉन्टैक्ट की लिस्ट है आपकी वो टेबल के अंदर ही होती है सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, नाम यहाँ पे नंबर नाम एक टेबल के अंदर ही। उसके बाद जो है एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है डेटाबेस के अंदर वो है क्या, फील्ड, MCQ सिस्टम के अंदर। उसके बाद MCQ 17 में क्या है, मल्टीपल फील्ड जो होती है वो एक पूरा डाटा रिकॉर्ड्स बना रही होती है, जैसे कि भाई नाम है या फिर कस्टमर का नाम, उसकी जगह, ये पूरा एक डाटा का रिकॉर्ड बना रही होगी, फील्ड है ना सारी, कही देखो कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की आईडी, ये सब चीज मिलाकर एक डाटा का रिकॉर्ड बना रही हो, तो मल्टीपल फील्ड्स मेकअप अ डाटा रिकॉर्ड, MCQ 17। MCQ 18 में क्या है, सेवरल डाटा रिकॉर्ड्स मेकअप अ डैश, सेवरल डाटा रिकॉर्ड्स मिलकर जो एक डाटा टेबल बन रहा होता है, जब आप सारे रिकॉर्ड्स को रखोगे तो एक डाटा का टेबल बन जाएगा। MCQ 19 में क्या है, सेवरल डाटा टेबल मेकअप, आप बहुत सारे डाटा टेबल्स हैं, सही है, वो आपको एक डाटा बेस बना रहे हैं, सही है। MCQ 20 में क्या है कि भाई अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल, एक सिंगल एंट्री जो भी टेबल के अंदर वो क्या कहलाएगी, वो आपकी डेटाबेस कहलाती है, डेटा टेबल कहलाती है, डेटा रिकॉर्ड कहलाता है। अगर आप कोई भी सिंगल एंट्री डालोगे टेबल के अंदर, जैसे कि भाई आपने कस्टमर का नाम, उसकी आईडी, उसका ऑर्डर नंबर, उसका डिस्पैच के वो जा रहा है कि नहीं, वो कोई रिकॉर्ड होगा उसका। अब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कौन सा होल्ड कर रहा होता है, देखो यार फ्लोटिंग डेटा जो होता है वो होल्ड कर रहा होता है 8 बिट, बस ऐसे याद रखना, फ्लोटिंग डेटा जो होता है वो होल्ड कर रहा होता है 8 बिट या 15 और 15, मतलब जो कि प्लेस हो रहा होता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद प्लेस हो रहा होता है, सही है। तो ये बेसिकली क्या है, फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट, डेटा टाइप, होल नंबर विथ डेसिमल पॉइंट्स, ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स को होल्ड कर रहा है। MCQ 22 में क्या है कि भाई स्ट्रिंग डेटा जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप कैन स्टोर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमेशा जो है वो नंबर, लेटर या फिर स्पेशल कैरेक्टर हो गया, एट द डेट, अंडर स्कोर, कुछ इस तरीके से जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें आपका स्ट्रिंग होती हैं, वो स्टोर, स्ट्रिंग डेटा कौन स्टोर कर रहा होता है, कंबिनेशन नंबर लेटर, ये तो MCQ 22 ये हो गया। अब उसके बाद MCQ 23 में क्या है, प्रोसेस टू डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशंस, मतलब कौन सा डेटा, ऐसा कौन सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन है, वो डेटा मॉडलिंग कहलाती है। डेटा मॉडलिंग क्या होती है, आप इसके अंदर बेसिकली डायग्राम बना रहे होते हो, सही है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की डायग्राम बना रहे होते हो, और इसके अंदर आप बेसिकली किस तरीके से डायग्राम बना रहे हो, इसमें भाई टेक्स्ट भी होता है, सिंबल्स भी होता है, जिसके अंदर आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने डेटा को, और ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, किस तरीके से इसका फ्लो है, कैसे मतलब काम करेगा, ये सारी चीज़ें वो डायग्राम के तरीके से आप बता रहे होते हैं, उसको हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। तो वही सारी चीज़ें डेटा ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडलिंग है। दे आर यूज टू एक्सप्रेस हाउ द इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन डेटा बेस, मतलब एक डायग्राम के थ्रू आप बता रहे होते हो कि भाई कैसे आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी डेटा बेस में, वो डेटा मॉडल्स होते हैं। अब द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज अ लार्जर एंटिटी एंड स्मॉलर वन, वन टू वन रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशन यूज इन रैशनल डेटाबेस इज वन टू मैनी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वन टू मैनी क्या होता है और वन टू वन क्या होता है, वन टू मैनी टू मैनी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस है मेरे पास बना हुआ जिसके अंदर एक ऑथर है, सही, ऑथर का मेरे पास पूरा बना हुआ है, ऑथर मतलब कि भाई जो राइटर्स होते हैं। अब उसके अंदर बेसिकली मेरे पास आई डीज है 101102103 और नाम बेसिकली मैंने कोई भी नाम रख लिया, असद, मुनीब, सही है, अली। तो और नीचे मेरे पास एक और डेटाबेस है जो कि बुक से है,
और बुक मेरे मैंने उसके ना नाम रख दिया DBMS, फिर डाटा स्ट्रक्चर या फिर फी, इसका नाम रख दिया। मैनी टू मैनी का मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुनीब और अली है, हाँ तो वो डाटा बेस को भी कर रहा होगा सेम ही काम। जैसे कि भाई अगर मुनीब और अली दोनों डाटा बेस के ऊपर, उन्होंने दोनों डाटा बेस भी लिखी होगी, उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर भी लिखी होगी, तो ये दोनों चीज़ें जो है दोनों काम ही कर रहे हैं, वो मैनी टू मैनी। और वन टू मैनी का मतलब है कि राहुल, अगर राहुल फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया नाम ले रहा हूँ, एक अगर राहुल है ठीक है, राहुल ने कोई बुक लिखी है फॉर एग्जाम्पल डाटा बेस या फिर डाटा, तीनों बुक लिखी है, तो वन टू मैनी मतलब कि तीनों बुक्स उसने लिखी है, ये तो वो वन टू मैनी इस तरीके से समझ लो। उसके बाद क्या है, थर्ड एंटिटी इज यूज एज जंक्शन टेबल इज यूज टू क्रिएट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप 27 में। 28 के अंदर क्या है कि भाई अगर आपको, आप एक एंटिटी को डिफाइन करोगे, कोई भी एंटिटीज को आप डिफाइन कर रहे होंगे, तो वो रेक्टेंगल शेप में होता है ईआरडी में, सही है। तो ये ईआरडी में हो गया, मैं ये आपको बता चुका हूँ कि अगर रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वीक एंटिटी रिलेशनशिप बता रहे होते हो, वो आपका डायमंड शेप में होता है, सही है। फ्लैट फाइल डेटाबेस यूजुअली स्टोर डाटा एज, अब फ्लैट फाइल डेटाबेस होता क्या है ये पहले जानते हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें आपका फाइल जो बेसिकली स्टोर हो रहा होता है, एक फाइल की फॉर्मेट में जो है आपका डेटाबेस स्टोर हो रहा होता है, उसको हम फ्लैट फाइल कहते हैं, सही है। अब वो ये फाइल बहुत सिंपल होती है, और ये बेसिकली कोई भी प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि भाई आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, सीवीसी फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है, सही है। तो ये बेसिकली प्लेन टेक्स्ट डेटाबेस क्या यूजुअली स्टोर कर रहा होता है, किसमें, प्लेन टेक्स्ट में, फ्लैट फाइल डेटाबेस। उसके बाद एक करेक्ट मैच क्या होता है, एक टेबल होता है, उसके अंदर एक एंटिटीज की रिकॉर्ड होती है, एंटिटीज और रिकॉर्ड होगा कि भाई ये सारी चीजें, उसके अंदर रॉ टपल फील्ड होंगी, ये रॉ होगा, फिर उसके अंदर फिर एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स होंगे, ये पूरा सही है। एमसीक्यू 32 के अंदर क्या है कि द हेल्प ऑफ जनरल मेनी मेनी रिलेशनशिप कंबाइनेशन ऑफ टू, मतलब कंबाइनेशन ऑफ टू होता है वन टू मेनी, मतलब एक बंदा ने काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बुक है, सही है, एक बंदा सारी बुक्स को लिख रहा है वन टू मैनी, सही है। अब इन डेटाबेस रिलेशनशिप मेक यूज ऑफ कीज, मतलब कि डेटाबेस जो होता है मेक यूज ऑफ, आपको कीज का आइडिया होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, कि जब रिलेशनशिप बन रही होती है तो वो कीज आपके इसमें यूज ऑफ कीज होती है। उसके बाद द की दैट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज, दो रिलेशनशिप एंटिटीज वो करता है रिलेशनशिप बताता है, वो कौन सी की होती है, फॉरनर की। अब फॉरनर की क्या होता है, फॉरनर की एक ऐसा टेबल होता है जिसके अंदर एक प्राइमरी कीज होता है अनदर टेबल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एम्प्लॉय की आईडी है और ये आपका पहला टेबल है, उसके बाद दूसरा टेबल जो होगा वो भी आपके पास, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज की आईडी होगी, ठीक है। तो दोनों के अंदर, दोनों एंटिटीज में, दोनों आपके पास जो टेबल होगा उसके अंदर आपके पास सेम ही आईडीज होंगी, फॉरनर कीज होती है। बट हाँ, फॉरनर की का हाँ नाम चेंज हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है वहाँ पे कोई और आईडी दी जाएगी, फॉरनर की बेसिकली हैव अ डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, सही है। प्राइमरी कीज है, प्राइमरी की से नाम डिफरेंट हो सकता है, और इसके अंदर बेसिकली जो है, देखो फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी की को जो है, जैसे प्राइमरी की ये आपके पास एक प्राइमरी की है बनी हुई, हम उसको पेरेंट की भी कहते हैं, सही है, वो पेरेंट की हो जाएगी, और जो बेसिकली और आपके पास बना हुआ है वो आपकी चाइल्ड की हो जाएंगी, सही है। इस तरीके से, इस तरीके से ये आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है सारी, और इसी तरह एक और डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास रिलेशनशिप आपको बना रहा है, दो एंटिटीज के अंदर रिलेशनशिप, बेशक इसका नाम भी चेंज हो, इसका नाम चेंज हो, इसका नाम चेंज हो, मगर इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, सही है, जो बेसिकली इसके अंदर यूज हो रही है, ये आपका पेरेंट है और ये आपका चाइल्ड, सही है। तो समझ में आगे, पेरेंट की है वो चाइल्ड की है, इतना समझ में आ गया होगा। अब कॉम्पोनेट ऑफ ईआरडी इंक्लूड कौन कौन सी कॉम्पोनेट यूज हो रहे होते हैं ईआरडी में, तो एंटिटीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप होता है, इस तरह से आप ईआरडी डायग्राम्स बना रहे होते हो, एंटिटीज होती हैं जो कि आप उसमें बना रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप उसमें बना रहे होते हैं, रिलेशनशिप उसको डिफाइन कर रहे होते हो। एमसीक्यू 36 क्या है, द मार्क्स रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय अ क्लास टीचर, एक क्लास टीचर ने एक रिकॉर्ड डिजाइन करा, एक मार्क्स का रिकॉर्ड डिजाइन करा, उसका एग्जाम्पल एक टेबल है, ठीक है। एमसीक्यू 37 में क्या है कि भाई द डेटा टाइप विच होल्ड ओनली होल नंबर्स, होल नंबर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जो होल नंबर्स होंगे वो डेटा टाइप कौन सा होता है, वो इंटीजर होता है, इंटीजर हमेशा मैं बता देता हूँ, 1 से लेकर चाहे वो जितना भी होगा इस तरीके से वो इंटीजर होंगे, अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यू आ जाती है वो फ्लोट पॉइंट कहलाता है, सही है। अब एबीसीडी जो है, एबीसीडी एमसीक्यू 38 एबीसीडी आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप, और एबीसीडी जो है वो एक एग्जाम्पल है डेटा टाइप की, जिसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर्स, एबीसीडी करेक्टर होते हैं सारे। एमसीक्यू 39 जो है, जैसे 5.6, 3.14, 554.9, ये सारे डेटा टाइप की एग्जाम्पल्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, हमेशा जो भी चीज पॉइंट में आएगी वो फ्लोटिंग पॉइंट्स होती है। एमसीक्यू 40 क्या है, 145, -35, 7, 4, 5, 8, 6 जो होता है, ये कौन से डेटा टाइप की एग्जाम्पल है, ये बेसिकली इंटीजर की एग्जाम्पल है। अब एमसीक्यू 41 में क्या है, 1 और 0 जो होता है वो आप पता ही होगा कि 1 और 0 बेसिकली किसका डेटा टाइप है, ये सारे डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे आपके डेटा टाइप्स हैं, कौन सा डेटा किस टाइप का है, बुलियन, ये सब चीज, तो ये डेटा टाइप बेसिकली कौन से टाइप का, ये बुलियन है, 1 और 0 बुलियन होता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे कौन सा डेटा टाइप आपको बताया जा रहा है, जैसे यहां पे ये डेट दी हुई है और इधर ये टाइम दिया हुआ है, तो ये बेसिकली डेट एंड टाइम है, सही है। अब यहाँ पे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं डेटा मॉडल्स में, जब आप एक डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पे तीन चीज होती है, कीज होती है, एंटिटीज होती है, और रिलेशनशिप्स होती है। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर।
chapter number 7, introduction to database system, all the important points I have been covered in this topic, in this chapter. So umeed karta hu ki aapko ye chapter samajh mein aaya hoga. Ye computer 9th class ka last chapter tha aur maine jitna mujhse ho saka maine utna zyada explain karne ki koshish kari hai. Baaki in sare chapters ke main important questions bhi isi playlist mein laga dunga, to aap usse bhi help out le sakte ho apni examination preparation ke liye. To umeed karta hu ki videos aapko pasand aayi hogi. To inshallah fir hum naye subjects ke sath hazir honge. Tab tak ke liye Allah Hafiz.